राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच जंग अब नए अंदाज में शुरू हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब पायलट कैंप के सीनियर मंत्री और विधायकों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत गहलोत गुट के सामने चुनाव से पहले नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। पायलट कैंप की तुरुप की इस चाल से उनके निशाने पर उम्रदराज गहलोत और उनके समर्थक मंत्री है। इससे राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में खलबली मची है। सचिन पायलट गुट के कदावर नेता और सीनियर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में ऐलान किया है कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। शेखावत ने इसकी वजह अपनी उम्र और सेहत को बताया है। शेखावत ने कहा कि उनके समर्थक फिर उन्हें विधायक बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। शेखावत विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री रह चुके हैं। सिर्फ शेखावत ही नहीं, पायलट समर्थक एक और विधायक भरत सिंह ने भी कुछ दिन पहले खुद के चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सलाह दी थी कि वे भी कुर्सी का मोह छोड़ दें और युवाओं को मौका दें। सचिन पायलट के समर्थक मंत्री हेमाराम चौधरी तो पायलट की रैली के मंच से ऐलान कर चुके हैं कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी में युवाओं को मौके मिलने चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने तंज कसा है कि सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए जनता के बीच किस मुंह से जाएं, इस डर से कांग्रेस नेता चुनाव से पीछे हट रहे हैं। दरअसल पायलट कैंप अपने सीनियर विधायकों से एक के बाद एक चुनाव न लड़ने का ऐलान करवाकर गहलोत को मुश्किल में डाल रहे हैं। इससे न सिर्फ गहलोत पर पायलट के लिए कुर्सी छोड़ने का दबाव है, बल्कि उनके नजदीकी दो कदावर मंत्री शांति धारीवाल और बीडी कल्ला भी उम्रदराज है। इस सूची में गहलोत गुट के विधायकों की तादाद अधिक है। यदि गहलोत गुट के सीनियर मैदान से हटते हैं तो उनके सामने अगले चुनाव में पायलट के आगे कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ेगा। पायलट समर्थक युवाओं को चुनाव में अधिक मौके मिल सकते हैं, यही पायलट गुट चाहता है। अब देखना यही है कि चुनाव ने लड़ने का ऐलान करने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी होती है या फिर उस पर यही विराम लग जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।